Hello everyone, good morning. Today I'm going to show you how to make Hyderabadi biryani. So for that, first I'll show you how to marinate the mutton first. So for marination, we need mutton. So I have taken here 2 kgs of boneless mutton. I'm using the boneless and the nice big size mutton. Because if we have with bone, almost we try to throw it. So you can see these are the big pieces. So this is the mutton. In this, we are going to add green chilies. So what we need is for marination, green chilies finely chopped, and और हमें लेना है ये है हरी मिर्च. हमने 6 हरी मिर्च लिया है, इसको फाइनली चॉप किया है. इसके बाद साबित शाही जीरा, इलायची, लौंग, पट्टा, यह है फूल स्टार एनीस, और यह है बे लीफ, यह है सिनेमन स्टिक्स, और हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमें चाहिए सॉल्ट, एंड दिस इज़ हिमालयन पिंक सॉल्ट, एंड धनिया, पुदीना, दही, रेड चिली पाउडर. इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ऐड लिटिल बिट धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर. सो फर्स्ट टू दिस मैरिनेशन वी विल ऐड ग्रीन चिलीज. एंड वील ऐड सॉल्ट. And we'll add ginger garlic paste. So हमें ज़्यादा ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट. तकरीबन हमें मटन 2 केजीस है, 2 किलो है, तो हमने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, आप देख सकते हैं. एंड साबुत गरम मसाला, जो ये सब कुछ है हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर. इसके बाद हम ऐड करेंगे पुदीना और धनिया पत्ता, कोथमीर. एक बार इसको आप देख सकते हैं, इसमें डाले दही, एक बाउल दही. इसको अच्छी तरह मिक्स करें. हम इसमें ऐड कर सकते हैं और भी दही, देखेंगे हम. अगर हमें लगेगा कि इसमें और दही लगना चाहिए, डालना चाहिए, तो हम और भी ऐड कर सकते हैं. इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर. एंड इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें. हम इसमें चाहें तो हम ब्राउन अनियन अभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐड नहीं करेंगे. बस इसको इसी तरह बस इसके अंदर और थोड़ा हम लोग दही डालेंगे, क्योंकि दही कम लग रहा है.
सो लेट्स मिक्स इट। आप यहाँ चाहे तो एक बार चख लें नमक बराबर है या नहीं, मसाला सब कुछ आप चख सकते हैं। जस्ट मिक्स इट वेल नाइसली। बस हमारा मैरिनेशन रेडी हो चुका है। इसको हमें रखना है 2 घंटे तक, या फिर आप चाहे तो एक, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर, और अगर आपके पास टाइम है तो आप एटलीस्ट 1.5 to 2 hours रख सकते हैं इसे। तो बस ये रेडी है मैरिनेशन। हम इसके बाद चावल भिगोना पड़ेगा, पहले से हमें रखते हैं ढककर। नाउ वी हैव टेकन द राइस एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 1.5 kg ऑफ बासमती राइस। वी आर सोकिंग दिस राइस फॉर अबाउट 1 hour। वॉश इट नाइसली एंड सोक इट फॉर 1 hour। 1 घंटे तक भिगो देना है हमें बासमती चावल को, तब जाके चावल बहुत अच्छा बनेगा। बस इसे एक बार धोना है अच्छी तरह, मतलब ज़्यादा नहीं, बस एक हल्के हाथ से धोना है चावल को, और बस पानी से भिगो, एक पानी में भिगो देना है इसको। बार बार ना धोएं बासमती चावल को, बार बार धोने से इसका जो स्मेल है, खुशबू है, वो चले जाता है। तो नेवर यू नो नेवर ट्राई टू वॉश इट फॉर 4 to 5 times। बस एक ही बार धो लें बासमती चावल। तो दिस इज़ आई एम सोकिंग इट फॉर 1 hour। वी एक्चुअली फॉरगॉट टू ऐड लेमन इन द मटन मैरिनेशन, सो आई एम एडिंग इट नाउ। So take at least one big size lemon. You can see this is a big size lemon, so you can take at least 1.5 lemon, because this is 2 kgs of mutton. So add it, and then we kept oil for frying. This is oil. And I'm using the rice bran oil here. That's why the color of the oil is little different, which is healthy. So in this we'll add the onion for frying, because for biryani we need oil. Sorry, onion for frying. So I'm adding it. Can you see? So you have to slice the onion very, very thin. So we need more onion. So almost I have added 6 to 7 onion here, medium size 7 onions, and we are going to fry them till golden brown. So let it get fried till golden brown, and I'll show you how it will change its color. So now our onion is golden brown, it's ready to remove. You have to remove when it is completely brown. This is golden brown. Don't remove it afterwards. We have to just remove before, because otherwise the remaining onion, it will turn completely brown. So that's all. We are shifting the mutton into the marinated mutton into the cooker. You can see it here, so that because we are making pakki biryani. You can see it here, and we'll pressure cook this mutton for about 3 to 4 whistles. Now we are going to add brown onion in the mutton before pressure cooking it. So this is enough, and we have to just do a slight mix and put it on the stove. We have mixed up this nicely, the brown onion, and now we will add some ghee to this. So we are adding the asli ghee, that is desi ghee. We're not adding much, because we are very health conscious also. So
जस्ट टू गिव अ नाइस फ्लेवर वी आर एडिंग इट। नेक्स्ट हम लोग चावल उबालेंगे। चावल उबालने के लिए हमने भगोने में पानी लिया है, आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर है, गर्म हो रहा है। इसमें हम लोग साबुत गरम मसाला डालेंगे, जैसा कि हमारे पास साबुत गरम मसाला में सब कुछ है, शाही जीरा, हरी मिर्च, इलायची, फूल, स्टारनीस, सिनेमन स्टिक और शाही जीरा, सब कुछ सारे चीज़। इलायची भी है क्योंकि इलायची अच्छी फ्लेवर देता है, एंड हरी मिर्च इसीलिए ताकि वो इसके अंदर इसका फ्लेवर छूटे। सो दिस इज लाइक दिस, एंड देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑयल और सॉल्ट। हम इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा ही सॉल्ट डालेंगे क्योंकि मटन में जो हमने डाला था सॉल्ट वो उसके लिए काफ़ी था, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे ताकि वो बराबर हो जाए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो इसमें होगा, इसी में हम लोग ऐड करेंगे पुदीना ताकि ये अच्छा फ्लेवर दे, चावल में अच्छा फ्लेवर छूटेगा इससे। नाउ आवर वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, सो नाउ जैसा ही हम ऐड करेंगे चावल, अभी आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छा उबाल आ रहा है, तो हम चावल डाल रहे हैं इसके अंदर। बहुत धीरे से डालें वरना गर्म पानी ऊपर गिरेगा। हम हरी मिर्च और पुदीना इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि वो फ्लेवर देगा। हमने बासमती चावल को 1 घंटे तक भिगो लिया था ताकि वो अच्छे से चावल एनलार्ज हो, आप देख सकते हैं। हम एक बार हिला लेंगे इसे। इसको हमने 3/4 पका लेना है। Now our rice is 3/4 cooked. You can see it is 3/4 cooked. See, you can see the lines in this. Now we have to strain the water or remove all the water from this rice. Now you can see, we'll drain it, we'll strain away with the help of a strainer. Quickly we have to strain it guys, remove it, because otherwise it will और क्योंकि ये नरम हो जाएगा, गल जाएगा चावल, इसीलिए अभी से हमने इसको निकालना है जल्दी से और देर नहीं करना है। अभी हमने पानी को निकाल लिया है, अभी इसके अंदर से आप देख सकते हैं ये जो भी तेज पत्ता है, क्योंकि ये मुंह में आता है और आप इसको चावल लगकर हम चावल भी वेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैं इसको सारे चीज़ों को, ताकि बच्चे भी पसंद नहीं करते और इसके अंदर जायब चावल भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम जो भी चीज़ हमने डाला है इसके अंदर इसको हम निकाल लेंगे इस तरह बस, क्योंकि हमें चाहिए कभी भी हम जब खा रहे हो हम नहीं चाहते कि मुंह में आए ये सब कुछ,
बस इसको निकालना है एंड देन वी विल लेयर इट। नेक्स्ट है हमारा काम लेयरिंग करना। बस हमने तकरीबन, आप देख सकते हैं कि अब चावल किस तरह हो चुका है, बहुत सारा हो चुका है एकदम से सारा और बहुत एकदम ड्राई है। इस तरह होना चाहिए एंड विदाउट वाटर। अभी हम मटन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मटन गल चुका है ऑलरेडी कुकर में, तो हम इसको थोड़ा नज़दीक पका रहे हैं ताकि वो ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाए और हम जब बिरयानी में डालेंगे तो वो ऐसे वाटर ही ना छोड़े। वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक होना चाहिए ग्रेवी, इसके बाद हम इसको बंद कर लेंगे। सो नाउ अभी हमारा गोश्त रेडी है इधर और हमारा चावल भी रेडी है और हमारा लगन भी रेडी है। तो ये है लगन, हम इसके अंदर हम बना रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं। तो पहले इसमें हम लोग घी डालेंगे ताकि नीचे ना लगे। बस थोड़ा सा, बस इतना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इसको अच्छे तरह, हम लोग ब्रशिंग कर लेंगे अंदर इस तरह। अभी इसके अंदर हम लोग चावल डालेंगे। लेयरिंग करें इसको, हम इसको हम जल्दी जल्दी डालना चाहिए क्योंकि चावल गर्म रहेगा वरना ठंडा हो जाएगा चावल। हम जब चावल गर्म है तभी इसको डालना, क्योंकि दम करने में बहुत टाइम लगेगा वरना दम होने में। हम इसको दो लेयर में बनाएंगे, यानी अभी ये एक लेयर हम दालचीनी जो भी है हम निकाल रहे हैं इसके अंदर से। इसको गोल घुमा ले और अच्छी तरह से लेयर, और थोड़ा चावल डालेंगे। बस अभी इसमें हम लोग गोश्त डालेंगे, मटन। आप देख सकते हैं हम लोग किस तरह मटन डाल रहे हैं। हम इसके अंदर से फिर पत्ता निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम ऑल साइड्स गोश्त लगे इस तरह हम डाल रहे हैं। हम सारा गोश्त इसके अंदर ही लेयर कर रहे हैं सब कुछ, और जो भी ग्रेवी है वो सब कुछ हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें ग्रेवी बना रहा है और बहुत थिक ग्रेवी है ये। आप देख सकते हैं इसमें हम लोग डालेंगे, अभी मेरे पास फूड कलर है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। पहले ही डालना था लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग डालेंगे ब्राउन ऑनियन। और हम लोग डालेंगे धनिया पुदीना। फिर हम लोग डालेंगे चावल।
हम इसके अंदर से निकाल दे रहे हैं। और सारा चावल जो भी है हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये भी हम लोग जैसा है ये हो चुका है, हम इसको बस इसमें डालेंगे अभी कलर, जाफरान का कलर विद नींबू है ये, एंड घी डालेंगे। ये असली घी है, एंड इसमें डालेंगे प्याज, ब्राउन अनियन, और पुदीना, हरा मसाला। बस हम इसको अभी दम देना है। आप चाहें तो इसके अंदर और थोड़ा सा जो हमारा फ्लेवर्ड वाटर था वो चाहे हम आप अभी देख सकते हैं, हम थोड़ा सा जो पानी था वो थोड़ा डाल रहे हैं, हम लोग साइड से थोड़ा सा छोड़ रहे हैं ताकि ये आसानी से दम हो जाए। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस छोटा सा बाउल डालेंगे साइड से ताकि ये जल्दी से दम हो जाए, क्योंकि दम बहुत ज़्यादा नहीं डाले। बस हम इसको ढक्कन से ढक लेंगे। अभी हम इसको दम पे छोड़ेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीच में इसे चेक करते हैं। इसके ऊपर हम लोग वज़न कुछ ना कुछ रखेंगे। अभी देख सकते हैं हमने नीचे तवा रखा है क्योंकि ये दाग ना लगे, और इसके ऊपर हमने वज़न रखा है। हमने हमारा जो पानी था, जो हमने पानी स्ट्रेन किया था, वो तो भारी होता है काफ़ी, एंड एकदम ये टाइट लॉक्ड है। आप देख सकते हैं ये एकदम से लॉक्ड है, कुछ भी नहीं जाएगा, और इसके अंदर बहुत भारी पानी है। आप देख सकते हैं कि राइस कुकर का जो ये होता है इस भगोना, इसके ये डिश भर पानी है। दिस इज़ हॉट वाटर, ये स्टीम, आप देख सकते हैं पानी का स्टीम भी। हम लोग चेक करेंगे कि बिरयानी कैसा बना है। अब देख, गल चुका है। गल चुका है बिरयानी चावल, वो हम दम हो चुका है, हम अभी निकालेंगे प्लेट में। नीचे से निकालेंगे ताकि मटन भी आए इसके अंदर। बहुत अच्छी दम हो चुकी है ये, आप इसे देख सकते हैं। अभी ये रेडी है, और इस पर हम लोग गार्निश करना चाहिए विथ ब्राउन अनियन। ब्राउन अनियन अच्छे से ले लें और इसे गार्निश करें, एंड विथ धनिया पत्ता और पुदीना, धनिया पुदीने के साथ। अभी देखिए हमारी बिरयानी मज़ेदार, आप देख सकते हैं मटन पीस भी गल चुका है, इतना सॉफ्ट है बस, और मुंह में पानी आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा बन चुका है ये,
सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप बनाइए और खाइए मज़ेदार मटन बिरयानी. थैंक यू.